हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर के साथ। नूर वन ऑफ माय स्टूडेंट जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मास्टर्स कवर कर रहे हैं। सो आज का ये पूरा वीडियो हम उन्हीं के साथ बात करेंगे। उन्होंने पीयू सेट पीजी 2021 क्रैक किया था। आप ये देख सकते हैं 16 सितंबर को उन्होंने मेरे को मैसेज किया, गुड इवनिंग मैम, आई गॉट सीट इन अ पंजाब यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट काउंसलिंग। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज फिर पीयू सेट पीजी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चों के डाउट हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे कवर करना चाहिए, हमें सिलेबस कैसे कवर करें। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस, उन बच्चों को हेल्प मिल जाएगी कि नूर ने कैसे प्रिपरेशन करी थी, दैट्स वाई कि उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में उनका एडमिशन हुआ है और वो अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो अपना कंप्लीट वहाँ पर बताएंगे। इवन हम यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर कन्वर्सेशन विद नूर। सो नूर, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और फिर आप एमएससी के सफर तक का हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं। हेलो, माय सेल्फ नूर एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अबोहर पंजाब। एंड टॉकिंग अबाउट माय एकेडमिक बैकग्राउंड, आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम डीएवी कॉलेज अबोहर पंजाब एंड नाउ आई एम परसुइंग my master's in chemistry from Punjab University main campus. Very nice. मतलब अभी आप PU जो PU का campus है, Punjab University campus है, main campus से आप अपना master's कर रहे हैं, right? So बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया campus है, I think. मेरे को पहले ना सबसे पहले बच्चों को यही जानना होता है कि campus का बता दो, ठीक है? एक campus का ना overview बताओ, कैसा campus है, infrastructure कैसा है, and थोड़ा ना fees का भी बता देना, क्योंकि वो बाद में live chat में पूछेंगे कि fees structure क्या था, योर फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर, और प्लेसमेंट के लिए जो कुछ कंपनी आई होगी आपकी, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो आते हैं, और किस टाइप का आपका प्लेसमेंट आपके यहाँ, आपने सुना होगा कैसे कैसे प्लेसमेंट के लिए आपकी जो कंपनी आती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। हाँ जी, हाँ जी मैम, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज क्वाइट गुड एंड द टीचिंग स्टाफ इज वेरी नाइस बिकॉज दे आर वेरी, मतलब काफी ज्यादा उन्होंने डिग्री लाइक पोस्ट डॉक तक की हुई है उन्होंने, और काफी हेल्पिंग है वो स्टाफ हमारे लिए टीचिंग का। नाइस, ओके, हाँ जी, ओके ओके। मतलब इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, मतलब कैंपस की अगर बात करें, तो बहुत मैंने खुद भी देखा है और मुझे पता है वहाँ के कैंपस का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया कैंपस है। और अगर बात करें प्रोफेसर की, तो बिल्कुल ही बढ़िया प्रोफेसर है, एकदम बढ़िया। अगर आप कैंपस से कर रहे हैं, कैंपस से कर रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी नाइस थिंग। और थोड़ा प्लेसमेंट का अगर, दैट्स क्वालिटी थिंग आई वुड से। यस, हां जी, हां जी। प्लेसमेंट्स मैम आते हैं अबाउट सेकंड ईयर में, आते हैं फॉर एलएन आकाश के, अलग अलग इंस्टीट्यूट के आते हैं प्लेसमेंट लेने आते हैं। आपका इंटरव्यू होता है तो उस हिसाब से आपकी प्लेसमेंट होती है। इफ यू वॉन्ट टू गो इंटू द teaching and if you want to go into the PhDs then you have to just go for NIGRF, that's it. yes definitely to matlab kyunki mujhe pata hai mere bhi yahan par kafi seniors yahan se padh kar gaye hain, kuch mere friends wagera bhi yahan par padhte hain, to unse mujhe idea hai yahan ka ki kaise kaise placement hai। placement ke liye bahut acha hai, aur agar aap coaching institute wagera join karna chahte hain to ye bahut badhiya hai, yahan se sabse pehle selection hota hai। सबसे लेते हैं, लाइक बैचलर्स के स्टूडेंट भी देके आए होते हैं तो मास्टर्स वाले देंगे जब हम न्यू वन ज्वाइन करेंगे, और 3-4 thousand ऊपर वो कुछ लेते हैं अपना, वो एक्चुअल फीस होती है वो मास्टर्स। तो ज्यादा फीस नहीं है, मतलब लाइक इट्स वेरी वेरी कैंपस में यही होता है, एवरीवन कैन अफोर्ड। हां, मैं यही सजेस्ट करती हूं, बिकॉज़ आपने एक पॉइंट अपने बारे में नहीं बताया कि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है? तो वो थोड़ा सा पॉइंट बच्चों को बताएं। yes, कि yes, आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप पीयू कैंपस में कैसे रहे, थोड़ा सा वो बताएं। हां, आई एम आल्सो आईआईटी जैम क्वालिफाइड बिकॉज़ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन 1 ईयर बिफोर, मींस लाइक मैंने पिछले फेब में स्टार्ट कर दी थी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन थ्रू अन अकेडमी ओनली। तो पर मैंने आईआईटी जैम के लिए फुल प्रिपरेशन दिखाया था, अपना पूरा डेडिकेशन दिखाया था, बट व्हेन आई जस्ट गॉट इनटू द पेपर, आई जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट आई जस्ट कॉन्ट डू दैट बेटर इन द एग्जाम।
तो इस करके मार्च में वो रिजल्ट आया तो थोड़ा मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट. तो इस करके मैंने फिर देखा कि मुझे NITs मिल रहे हैं, तो फिर मेरे टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि डोंट गो फॉर द NITs मच, जस्ट गो फॉर द मेन कैंपस बिकॉज दे गिव यू रिसर्च बेटर, बिकॉज आई वॉन्ट टू जॉइन द रिसर्च वंस, नॉट टू द टीचिंग नाउ अनदर थिंग इज. तो इस करके मुझे फिर मुझे PUCET के लिए प्रिपरेशन भी मैंने किया अपना, मतलब लाइक जो मैंने IIT JAM के लिए सेम प्रिपरेशन किया था वही मैंने सेम इस पे कंटिन्यू रखा, मतलब लाइक शॉर्ट नोट्स वगैरह, रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब देखा और फिर मैंने पेपर में बैठी. एंड दैट्स हाउ आई एम कंपेयर फॉर दैट. यस यस डेफिनेटली, मतलब वही है क्योंकि जिस फेज में आपने जो फेज फेस किया है ना, उसमें इस टाइम बहुत बच्चे हैं उनका IIT JAM क्वालिफाई हो जाए और वो सोच रहे हैं कि हम NIT में जाएं या किसी कैंपस से अपना मास्टर प्रोग्राम करें. अब दोनों में डिफरेंस है. देखो NIT का नो डाउट आपको भी पता फीस बहुत ज्यादा, ठीक है, NIT का फीस बहुत ज्यादा है. उसका मैं जो एक वीक पॉइंट है मैं यही बोलती हूँ कि वहां पे फीस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है. उसके कंपेरिजन अगर हम कैंपस से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई कैंपस से अच्छा नहीं होता या प्लेसमेंट नहीं होता. अगर आप PU कैंपस से कर रहे हो, आप DU से कर रहे हो, आप HCU से कर रहे हो, JNU BHU, तो ये बहुत बढ़िया कैंपस है ना, ये बहुत बढ़िया कैंपस है. तो आपने लिया था कि आपने NIT को नहीं चूज किया, आपको रिसर्च में जाना था. पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत बढ़िया है, वहां पर आपके प्रोफेसर आपको इवन रिसर्च में हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना. तो अभी एक डाउट और होता है बच्चों का कि जैसे आपने जैम की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, अब काफी बच्चों ने जैम की प्रिपरेशन की होगी, नो डाउट उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए जैम में, तो अब स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है. वो चेंज करना पड़ता है क्योंकि जैम में वो स्ट्रेटेजी हमारी हेल्पफुल नहीं करी. तो जब आप MSc एंट्रेंस की तरफ आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि आपका PUCET PG में आपने पहली लिस्ट में अपना नाम लिया, तो वो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी. एक्चुअली पहले हमें ना पैटर्न देखना पड़ता है. पहले हम जैम की तरफ जाते हैं तो हमें पैटर्न होता है कि हमारे 60 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स करने होते हैं और हमारे पास इनफ टाइम होता है एक क्वेश्चन को देने का. बट नाउ द थिंग इज कि हमें 75 क्वेश्चंस करने हैं 1.5 आवर में, तो हमें पहले अपना क्या बढ़ाना पड़ता है, स्पीड इंक्रीज करना पड़ता है. हमें पहले लास्ट ईयर पेपर्स देखने पड़ते हैं कि वो किस लेवल पे आ रहे हैं. ये जैम का लेवल बहुत ज्यादा अप है, पर ये लेवल जो है बहुत मिनिमम है. इफ यू जस्ट गो फॉर बैचलर्स की बुक्स निकालोगे आप, हाँ, इसका अगर मैं एक पॉइंट बोलती हूँ तो जैम का जो रहता है वो मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, ठीक है ना, मॉडरेट टू हाई पेपर रहता है हमारा जैम का. जी हाँ जी. और अगर हम बात करते हैं जो हमारे MSc एंट्रेंस होते हैं, इनका इजी टू मॉडरेट रहता है. इजी बहुत पेपर रहता है, राइट ना, इजी बहुत पेपर. हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बेसिक्स पूछते हैं वो. बिल्कुल, कई बार हम जैम की प्रिपरेशन में हायर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, कई बार हमसे बेसिक ही नहीं निकल पाता और आ जाए तो हमें बस इसमें ध्यान रखना है कि अपनी बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपके, और क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते. हम वहां ज्यादा भी सोचने लग जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो सीधा जो डायरेक्ट आंसर याद आ रहा है बस जस्ट डू फॉर इट. और यहाँ पे हमारे पिछले बार से और हमारे टाइम में थोड़ा सा चेंज आया था कि थोड़े से ना क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल अप हुआ था, विच इज गुड फॉर द मतलब जो जैम क्रैकर्स हैं स्पेशली, कि हाँ उनके लिए लेवल अच्छा है. ज्यादा क्रैमिंग वाले क्वेश्चन कम आए थे, विच इज ऑल्सो ए गुड पॉइंट फॉर द जैम, क्योंकि उनको कंसेप्चुअल चीज करने की आदत होती है. यस डेफिनेटली डेफिनेटली. मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो आपने जो जैम की प्रिपरेशन करी थी ना, उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और एक कहते हैं ना एक शेप बनाकर आप यहाँ MSc एंट्रेंस में अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपनी BSc की जो बुक्स है ना, मैं यही बोलती हूँ BSc की बुक को रीड आउट कर लो, नथिंग मोर. बाकी प्रैक्टिस मेरी आपने प्रैक्टिस का भी मुझे बता रहे थे आप जब मेरे से बात कर रहे थे, वो थोड़ा प्रैक्टिस का बताओ क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मेन है. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. प्रैक्टिस जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो मतलब उतना आपका स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपका याद करने क्रैम थोड़ा पार्ट जो भी आता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बंदे का. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भी, मतलब एकदम से क्वेश्चन वहां पे आ जाए तो आप सीधा टिक कर पाओ उस चीज को. डेफिनेटली, मतलब अगर हम प्रैक्टिस पहले करते हैं, अगर हम डेली, क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं PUCET के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वहां पर आपका 75 क्वेश्चन आएंगे. अब अगर हम डेली 75 क्वेश्चन, मतलब एग्जाम जब भी आपका होगा, इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखा है क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, अगर कोई बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहता है
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो अगर हम बात करें बच्चों से, क्योंकि बच्चों का भी ये डाउट होगा कि आपने प्रिपरेशन के टाइम पर बुक्स को, क्योंकि आप जैम एस पेरेंट है, ठीक है, आप जैम एस पेरेंट है, आपने बुक्स को रीड आउट किया, स्टैंडर्ड बुक्स को रीड आउट किया था या अपनी बैचलर्स की बुक को रीड आउट किया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को रीड आउट ही किया था जैम के लिए। ओके ओके, मतलब आपने जैम में स्टैंडर्ड बुक्स को रीड आउट किया था। तो अगर कोई बच्चा, मैं एक ये पॉइंट अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी, अगर किसी बच्चे ने जैम का प्रिपरेशन नहीं किया था बट स्टिल वो पीयू सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक चांस है, अपनी बैचलर्स बुक को रीड आउट करे, प्रैक्टिस लगाए एंड ऑल दैट। ठीक है ना, सही बोला मैंने पॉइंट बुक्स की रिगार्डिंग? तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है बिकॉज उनको बहुत ज्यादा डीप डाउन देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन आएंगे। जस्ट गो फॉर सिंपल बैचलर की बुक्स जो आपके पास है। सो अभी नूर, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, वो ये है कि जब हम पीयू सेट की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 75 क्वेश्चन होंगे एंड 90 मिनट्स होंगे, पर सबसे बड़ी और प्रॉब्लम क्या आती है कि रैंडम क्वेश्चन होगा। आई डोंट नो कि वहां पर पहला क्वेश्चन फिजिकल का है, सेकंड क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक। ये चीज सबसे ज्यादा पैनिक करती है बच्चे को, इरिटेट करती है। इस चीज को बच्चा कैसे मैनेज करेगा वहां पर, थोड़ा सा ये इसके बारे में आप मुझे बताएं। पहले जैसे आप क्वेश्चन अपना बुकलेट खोलेंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा ऑब्वियसली, अब सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, तो ऑफलाइन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर फिल करनी है, तो लास्ट के थोड़े से मिनट्स आपको ओएमआर के लिए सेव करने हैं। 8 सेकंड ओएमआर फिल मत करो कि यहाँ पे 1 का ए लगाया तो वहां क्लिक, तो ऐसे करके बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस करके आप पहले अपने बुकलेट पे टिक करो सारे आंसर्स, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, आप पहले पूरी बुकलेट अपनी देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपको इजी लगते हैं ना एट दैट सेकंड। जैसे इनऑर्गेनिक के बिल्कुल सिंपल क्रैमिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, आता है तो मतलब फटाफट टिक हो जाता है वो, तो पहले उसको करने की कोशिश करो, फिर आप थोड़ा ऑर्गेनिक पे जाओ, देन लास्ट में फिजिकल करो, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल जाता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने अबाउट 60 to 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे वहां पे, और टाइम का जरूर वहां पे रखना। वहां पे कई बार क्लॉक नहीं होती आपके हॉल में, तो आप इनविजिलेटर को प्लीज कह देना कि मैम मेरे को जब भी हाफ एन आवर बचे या समथिंग, जो भी है वो एक्चुअली में उनका रूल होता है कि वो बताएंगे, बट फिर भी कई बार वो नहीं बताते, तो इस करके आप पहले बोल के रहना जो मैम हाफ एन आवर बच जाए तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं ओएमआर के लिए भी थोड़ा टाइम बचा सकूं, क्योंकि ओएमआर नहीं फिल करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा लास्ट में, कुछ नहीं। तो आप पहले 50 या 30-40 क्वेश्चन हो रहे तो ओएमआर उसके बाद फिल कर देना सीधा, ताकि आपके पास कुछ हो लास्ट में, वो सीधा टाइम 1 सेकंड नहीं देते होते, आपकी सिर्फ स्लिप जो होती है वो आप ले जाते हैं, क्वेश्चन पेपर भी ले जाते हैं आपका, तो इस करके थोड़ा सा 30-40 क्वेश्चंस के बाद ओएमआर फिल कर देना। डेफिनेटली ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही बताया, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो मेन पर्पस था बच्चों से ये आपका आपसे बात करने का, वो मेन तो यही था कि एक बच्चा जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया, राइट, अगर वो बच्चा है, मतलब मैं ऐसे खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ 2018 का, बट मैं एक ऐसे बच्चे से शेयर करना चाहती हूँ जो लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के पीरियड की अगर हम बात करें, वहां से हम स्टैंडर्ड की बात करें, तो मेरा मेन आपसे यही था कि वहां पर मैनेजिंग का बड़ा होता है। देखो मेरा जो टाइम था वो अलग है, ठीक है, हमारा टाइम अलग था, हम थोड़े अब ऐसे बोल सकते हैं कि ओल्ड वर्जन में काउंट कर लो, अगर हमें आने वाले जो बच्चे हैं अगर हम इनकी बात करें, इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे काम है, इन्हें फोन करना है, ये करना है, वो सारे बहुत सारे इशू है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करती, मैं उन जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पर, आप जैसी ही हमारी ये नूर है जिसके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम ही कहेंगे अब हम, है ना, ये सब प्रॉब्लम सबके साथ लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन वाली जो प्रॉब्लम थी या अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, फोन चलाना होता है आप सबको, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए आप अभी देख सकते हैं कि उस इस पीरियड में आप जैसी एज का बच्चा ही पीयू सेट का एग्जाम क्रैक करता है और पीयू कैंपस से वो अपना स्टडी कंटिन्यू करता है मास्टर की, एंड हाउ मैंने उसने बताया, आपने जिस हिसाब से बताया बिल्कुल सही आपने बताया। मेरा एक पॉइंट इसमें आता है प्लस पॉइंट, जो मैंने 2018 की मैं बात करूं, एक्चुअली प्रॉब्लम ही आती थी कि कभी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है कभी इनऑर्गेनिक है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है इस चीज से, मैं चाहती हूँ कि एक पैटर्न में सवाल आना चाहिए, तो इसका मेरे को बड़ी दिक्कत हुई। मैं इसका एक पॉइंट बताना चाहूंगी, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है कि आप पेपर से 5 या 6 दिन पहले उस पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हमारा पेपर 9 बजे होगा, ठीक है, 9 से 10:30 पेपर होगा,
तो पेपर से 5 से 6 दिन पहले ना डेली 9 सुबह 9 बजे बैठो और अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो. आप इरिटेट नहीं होंगे फिर, क्योंकि फिर आपको आदत बन जाएगी. 5-6 दिन अगर हम लगातार देखेंगे एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एक इनऑर्गेनिक का, हमारा दिमाग सेट हो जाता है. 5 दिन हम एक काम करेंगे, फाइनल डे जब हम अपना पेपर देने जाएंगे हैबिट हो जाएगी. और इससे बेनिफिट ये भी है कि वो जो हमने प्रीवियस ईयर किया ना उसके क्वेश्चन यहाँ दिखते हैं. आपको भी पता होगा रिपीट क्वेश्चन आते हैं. अगर हम अब बात करते हैं, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं पीयू सेट पीजी के लिए, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट केमिस्ट्री के लिए, कौन कौन से चैप्टर हम अपना कवर अप करें जिससे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है, वो थोड़ा सा बताएंगे. ठीक है पहले स्टार्ट करते हैं हम इनऑर्गेनिक से कर सकते हैं. तो एसपी ब्लॉक के थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, ये वो कुछ ऐसे कुछ आ जाते हैं. और थोड़ा बहुत बायो इनऑर्गेनिक भी आया था हमारे टाइम पे, जो कि पिछले इयर्स में नहीं आया, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था उसका. तो 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट बायो इनऑर्गेनिक से उठा के दिए हुए थे. ठीक है, और एसपी ब्लॉक हो गया. कोऑर्डिनेशन तो डैम श्योर, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे तो आप इनऑर्गेनिक कर ही क्या रहे हो, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही आएगा. आइसोमर्स पूछ लेंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ हायर अप नहीं जाएगा उसमें. आइसोमर्स वगैरह पूछ लेंगे. एक क्वेश्चन मैं अभी बता देती हूं, जेटीटी का क्वेश्चन आएगा, जॉन टैलेंट वो फिक्स है. कोई पेपर उठा के देख लो, कहीं का भी उठा के देख लो, जेटीडी कंफर्म है. ठीक है, चलिए आगे बताएं. और इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन तो उसके बारे में, हाँ इनऑर्गेनिक में हो गया. ओके हाँ जी. और अगर हम बात करें फिजिकल की, फिजिकल में काइनेटिक्स थर्मो ये चैप्टर्स तो मतलब रहते ही है कि पक्का आएंगे. क्वांटम का बिल्कुल स्टार्टिंग का आ जाएगा क्वेश्चन कि हमें क्वांटम बॉक्स दिया है, ये डीप क्वांटम नहीं आएगा, डीप क्वांटम नहीं आएगी. सिर्फ ऊपर जैसे आपको बैचलर्स में पढ़ाया है ना क्वांटम का, वैसे ही आएगा. 1D बॉक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ज्यादा 3D में भी नहीं जाएंगे, बस 1D रिंग का पूछ लेंगे, कुछ ऐसा कुछ सिंपल सिंपल सा ऊपर ऊपर से उठा के पूछ लेंगे. और ऑर्गेनिक में बात करेंगे, ऑर्गेनिक तो बस वो GOC आनी चाहिए आपको, मतलब सब कुछ आता है. इंटरमीडिएट्स भी आने चाहिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट और थोड़े बहुत लाइक आप रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, नेमिंग रिएक्शंस भी आती हैं. टाइम से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे टाइम पे नेमिंग रिएक्शन के आए थे. नोमिंगल हो गया, क्लेजन हो गया, ये तो डैम शोर पूछेंगे ही. 2-3 एकदम निकलते थे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये नेमिंग रिएक्शन तो बस रोज 2 नेमिंग रिएक्शन पढ़ लोगे तो लास्ट में अपने आप रिविजन हो जाएगी आपकी. रिएजेंट्स तक इतना नहीं जाएगा, बस सिंपल सिंपल से जब आप बैचलर्स में पढ़े ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ये तो बस पता ही होनी चाहिए. दो रिएजेंट पढ़ने ना, 2 पढ़ लो, एक ऑक्सीडाइजिंग पूरे ऑक्सीडेशन के रिएजेंट पढ़ लो, एक रिडक्शन का पूरा रिएजेंट पढ़ लो, दैट्स इनफ, आपका सारा पेपर निकल जाएगा. बाकी स्पेक्ट्रा की बात करें तो स्पेक्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ये पॉइंट है, आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना. पीयू के अंदर हम बात करें स्पेक्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ता है, फिजिकल स्पेक्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे भी बी का क्वेश्चन आता है, जो बी वाला क्वेश्चन आता है. तो अगर हम बात करें, आपने हमें कुछ चैप्टर्स रेकमेंड करे हैं, बच्चों ने सुने भी होंगे, और वो चैप्टर इतने हैं कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है, हम चैप्टर को ना अगर अपनी बैचलर्स की बुक को उठा के रीड आउट करना स्टार्ट करें, हम आराम से पीयू सेट निकाल सकते हैं. आपका एक मैं आपको मतलब आप एक थोड़ा सा मुझे बताएं, आप किस तरह से एग्जाम के जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने एक डे फिक्स कर रखा होगा, जैसे आप एक पर्टिकुलर डे का थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि दिन में मैं ये करती थी, प्रैक्टिस इस टाइम करती थी, थोड़ा सा जिससे बच्चों को आइडिया लग जाए कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, एक पर्टिकुलर डे का मुझे बता दो, हाउ यू मैनेज ऑल दैट. पर्टिकुलर डे में मैं मतलब ऐसे करती थी कि सुबह जस्ट उठ के तो आई जस्ट मैं प्रीवियस हर रोज कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर का पार्ट देख लेती थी कि हाँ इस प्रीवियस ईयर में ये चीज रहती है, मतलब ये टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है. तो मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल अल्टरनेटिव चलाती थी और देख लेती थी कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे ध्यान देती थी. क्योंकि जैम और पीयू सेट का थोड़ा सा लेवल्स डिफरेंट है, तो हमें उनके पेपर के हिसाब से चलना पड़ता है. हम जैम की तैयारी कर जाएं पीयू सेट में और इतना पूछा नहीं जा रहा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे इनफैक्ट. डेफिनेटली, तो इस करके बिल्कुल बेसिक तैयारी रखनी है. और वहां पे बिल्कुल मैंने टॉपिक देखा और फिर मैं उसको डे में रिवाइज करती. फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि कोऑर्डिनेशन में से आइसोमर्स पूछा जा रहा है और क्वांटम में से 1D बॉक्स तक पूछा जा रहा है,
तो बस उस दिन में वो दोनों टॉपिक्स रिवाइज कर लो, उसके उसके आगे पीछे के क्वेश्चंस करके देख लो, दोबारा रिवाइज कर लो. बस पॉइंट इज दैट कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो खाली वो क्वेश्चन मत करो, उसके आगे और पीछे का सारा कवर अप करो, आगे पीछे आगे या पीछे. तो ये पॉइंट बिल्कुल आपने सही बताया. बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस तो डेफिनेटली है. अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि चलो आप सभी को पीयू सेट का अभी चाहिए होगा कि मैम पीयू सेट का पेपर चाहिए प्रीवियस है, वो सब मैं अपने यहाँ पर मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है 2017, 18, 19, 20, 21 का बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, एक या दो दिन के अंदर अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो सबको मिल जाएगा, विद आंसर की भी मिल जाएगा. अभी मुझे एक और आपसे पॉइंट ये जानना था कि अब आप यहाँ पर अपना, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, है ना, आप ये पॉइंट पहले ही बोल चुके हो कि आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो अभी आपके प्रोफेसर आपकी हेल्प कर रहे होंगे. ठीक है, और आपको गेट नेट में भी यहाँ से मास्टर्स करने में बेनिफिट हो रहा होगा ना, गेट नेट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली आपकी हो रही है अगर देखा जाए. और अगर हम प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं तो उनका अलग ही होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ तैयार हो जाता है. आपको अगर आप मास्टर्स किसी कैंपस से कर रहे हो, एक बढ़िया नाम वाली कैंपस से कर रहे हो, मतलब अच्छी जिसकी जो भी है, मतलब बहुत अच्छा अगर कैंपस से कर रहे हैं, तो आपको नेट गेट की कोचिंग कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं है. आपने सिर्फ जैम की जो प्रिपरेशन करी थी, उसी प्रिपरेशन को आप मोल्ड आउट करके कहीं पर भी कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, राइट? ओके, तो अभी अगर हम लास्ट में थोड़ा डिस्कशन करें, आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि फिलहाल वो पीयू सेट के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएं कि वो ये करें और ये बिल्कुल ना करें. ठीक है, दो तीन बातें ऐसा कुछ हमें बता दें. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल प्राइमरी थिंग है जैम एस्पिरेंट्स को, तो मैं पहले ही कहना चाहूंगी कि टाइम प्लीज ध्यान रखना. वहाँ पे हमें आदत है 60 क्वेश्चंस करने की 3 आवर में, अब करने हैं 75 क्वेश्चंस, वो भी 1.5 घंटे में, विच इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क नाउ दिस थिंग इज. तो थोड़ा ध्यान रखो और टाइम ही होता है मेन, और थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस पे भी ध्यान दो, ज्यादा हाई में भी बच जाओ, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ज्यादा दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार, बिल्कुल हम ये भी छुपा होगा इसके पीछे, हम ये सोच लेते हैं क्या, पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैं पॉइंट बताती हूँ, मेरे को याद आया नूर, अभी एक पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ. मतलब यहाँ पे हमारे दिमाग की मेंटेलिटी क्या है बच्चों की, अगर एक क्वेश्चन आ गया ना बिल्कुल सिंपल, तो ये इनका खुद से सवाल होगा, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, हो ही नहीं सकता इतना आसान है, हम गलत राइट, ये वहां फिर गलत आंसर करके आते हैं. मतलब मैंने जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ ना, तो कभी कभी मैं ऐसा सवाल दे देती हूँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया, तो ये कहेंगे नहीं नहीं हम गलत हो सकते हैं, मैम इतना आसान क्वेश्चन ही नहीं दे सकती, और क्रॉस करेंगे वहां पे. तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही यहाँ पर आज किया. और बताइए, और थोड़े रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, मतलब लाइक 30, 40, 50 तक तो जाओ कम से कम, क्वेश्चंस करो डेली, रोज रिवाइज करो. हाँ जी 40-50 तक तो जाओ, आपके प्रैक्टिस सेशंस के अलावा भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, कम से कम 40-50 कुछ ना कुछ तो साथ में करो. एसपी ब्लॉक उठा ले, इनऑर्गेनिक के ज्यादा करो क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ टिक ही करने होते हैं, और ऑर्गेनिक फिजिकल के जब टाइम जब आप कर रहे हो तो 50 तो कम से कम करो, डेली के करो, ताकि वहां डे में जाके आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, हु नोस, है ना, सीधा आंसर टिक करने को भी मिल सकता है कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने देखा ही था पहले ही. डेफिनेटली, मतलब आप खाली ऐसा, मतलब ये पॉइंट हो सकता है कि खाली सीयू पीयू की मत करो, कि पीयू सेट के लगाओ, आप सीयू सेट के भी एग्जाम जो प्रीवियस ईयर है लगाओ, सारों के लगाओ, आगे मिलते हैं लगाओ, जैम के मिलते हैं ना जैम के भी लगा दो, अगर आपको जैम के मिल रहे हैं हल्के फुल्के इसी वाले तो लगा ही दो. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मेरे अभी माइंड में आया, क्योंकि जैसे हमारा एग्जाम होगा तो उससे पहले आपने रिविजन कब स्टार्ट किया था, ये बड़ा पॉइंट है. मान लो आपने जो सिलेबस बताया, बच्चा वो सिलेबस कवर अप करता है, अब वो रिवीजन किस टाइम उसे करना चाहिए, मतलब रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने दिन पहले उसे अपने टॉपिक बंद करके रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए. हाँ जी फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया तैयारी, तो आपने टॉपिक्स पढ़े, तो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, तो आप उसके साथ में एक पेज लेके बैठो, आप उसके साथ में बना लो उसके शॉर्ट नोट्स, लाइक आइसोमर्स लिख लो,
मतलब बिल्कुल जैसे आपका पैराग्राफ टाइप बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम पाई चार्ट बना लेते हैं ना, वैसा कुछ बनाना शुरू करो साथ में, साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? और एग्जाम के या सुबह रोज सुबह उठते शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने की कोशिश करो, जब जो अभी तक बना लिए हैं, फिर लास्ट डे ऑफ एग्जाम 3-4 डेज पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही देखते जाओ, बस देखते जाओ देखते, अब वो अपने आप एग्जाम में बैठ जाएंगे। मेन हमारे शॉर्ट नोट्स ही होते हैं जो हमें लास्ट में बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताया, बहुत बढ़िया। अगर कोई अप्लाई करे, ये जैम में भी चीज अप्लाई कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसका एक माइक्रो नोट, एक शॉर्ट नोट बना लो और फिर उसको डेली सुबह रिवाइज करो, ताकि पता चले हमने पिछले इतने दिनों में पढ़ा क्या। हम क्या करते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बच्चे ना लिटरली क्या कर रहे होंगे, वो बड़ी बड़ी क्वांटम पढ़ रहे होंगे, वो थर्मो पढ़ रहे होंगे और भूल रहे होंगे, और फिर मैसेज करके लिखेंगे मैम हम सब कुछ भूल रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। देखो फिर वही होगा कि सब कुछ होच पोच हो जाएगा, एग्जाम वैसे ही हमारे पास टाइम कम होगा, हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। उससे बेहतरी यही है कि लिमिटेड टॉपिक करो, बट बहुत अच्छे से करो उन टॉपिक को। और लिमिटेड में भी आपने बताई दिया कि कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। अगर नूर की बात भी सुन लेना बच्चा, मेरी ना सुने, एटलीस्ट नूर की बात कोई सुन ले तो बहुत अच्छा हो। नहीं नहीं जी, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। फिलहाल हम आपका थैंक्स करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर आए हो, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और अपने स्टूडेंट का आज बातें सुनकर, क्योंकि देखो हम जो पढ़ाते हैं ऐसे लिटरली हम बोल लेते हैं कि ये भी करना है आपको, वो भी करना है, बट आपकी जो मेहनत आज आप बता रहे हो कि आपने ऐसे ऐसे सब कुछ किया, दैट्स वेरी नाइस, और आप बहुत आगे जाएंगे डेफिनेटली, बहुत बढ़िया, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे। और बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे पॉइंट आज डिस्कस किए हैं जिससे बच्चों को हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं खाली पीयू में, वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे वहां पर उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस। थैंक यू सो मच।